चाल समय व दूरी से हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो। तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि ऐसे ही लंबे लंबे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका आंसर बहुत ही छोटा होता है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले। अब नहीं वाले क्या, आपको आने नहीं देंगे। अब इसको समझा के रहेंगे और आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर छोड़ के जाते हो तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं समय, चाल और दूरी से। तो जैसे कि ये 27 अगस्त का आपको एग्जाम है महिला पर्यवेक्षक वालों, तो इस वीडियो को देख के जाना। अगर इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से आप एक से दो नंबर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं चाल समय और दूरी से, जो आपके RRB, SSC, रेलवे, व्यापम, PSC ऐसे एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन उठा के प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तैयारी करना चाहते हैं हौसल वाडा ना महिला पर्यवेक्षक एडियो RI की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, समय, चाल और दूरी से पूछा गया प्रश्न। दूरी से प्रश्न देखेंगे जो आपके SSC, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, PSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही ट्रिक में बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करे। खास तौर पर महिला पर्यवेक्षक के जो एग्जाम होने वाला 27 अगस्त को होने वाला है, तो जो लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में गणित के प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसमें चाल समय दूरी से एक नए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही लंबे लंबे सवाल क्वेश्चन में आते हैं और आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग छोड़ के अब नहीं जाएंगे क्योंकि जो लंबा लंबा सवाल दिखता है लंबा, लेकिन उसका आंसर शॉर्ट में होता है। और ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो एक ही वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन अगर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और अलग अलग प्रारंभ करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन बनाने से पहले उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो लंबा लंबा रहेगा, लेकिन आंसर आपका दो ही तीन लाइन में बन जाएगा। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना, ऐसे ही चुटकियों में सवाल बना लेंगे आप, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आग लगा देंगे ऐसे ही क्वेश्चन पर, कभी भी नहीं भूलोगे। एक ही ट्रिक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहता है कि सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। अनिल कालका पहुंच जाता है और तुरंत ही चंडीगढ़ से वापस चलना प्रारंभ करता है। जैसे अनिल तुरंत चल दिया और वहां से तुरंत वापस पहुंच रहा है किसे, कालका से। ठीक है, अब मार्ग में कालका में 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है तो सचिन की चाल क्या होगी। तो ऑप्शन ए 4.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5.1 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4.9 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5.0 किलोमीटर। ये RRB NTPC 2021 में शिफ्ट सेकंड स्टेप में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसमें देखिएगा 10 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है, बी उसी प्रकार 15 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। 10 और 15 कितना हो गया, तो दोनों का अगर कैंसिल करते हैं तो यह 5 5 2 9 10 और 5 3 15, यानी कि 2 बार या 3 बार, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंट है। तो ये कितने बार में चला, 2, और बी कितने बार में चला है, 3। तो देखिए, इसका जो किलोमीटर है तो इसका अगर स्पीड में रहेगा, है ना, अगर स्पीड में पूछा जाएगा, अगर अलग अलग चाल रहेगी, याद रखना बेसिक, बस दो ही ट्रिक याद रखना, अगर अलग अलग चाल रहेगी तो आपका ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा आपका 2। अगर समय में, यानी कि एक ही समय का रहता तो उसका सेम रहता, तो ए का कितना रहेगा आपका सेम रहता और बी का आपका सेम रहता। अगर अलग अलग चाल चले तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए का मान कितना है 2 है, उसी प्रकार अगर अलग अलग समय में चाल चलता तो ए का मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत से आसान तरीके से आपको बताऊंगा। चंडीगढ़ से यहाँ से प्रारंभ करता है और कहाँ पहुंचता है, कालका। ठीक है, चंडीगढ़ से पहुंचता है कालका, पहुंचता है कितने किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, याद रखना कितना किलोमीटर आपका, 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब कालका की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है, याद रखना कितने किलोमीटर कम है, 6 किलोमीटर कम है, इसको याद रखना बस।
और कुछ नहीं याद रखना। अब यहाँ से अनिल कालका पहुंचता तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस होता है। मान लीजिएगा सचिन की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर है, जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है सचिन और अनिल की चाल, ठीक है। अब वहां से पहुंच गया है और सचिन, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं सचिन की चाल, सचिन और ये आपका हो गया अनिल, ठीक है, सचिन और ये आपका हो गया अनिल, ठीक है, याद रखना। अब देखिए सचिन की चाल अनिल की मतलब यहाँ पर कहता है कि तुरंत चंडीगढ़ से वापस चलना शुरू करता है, तो 50 किलोमीटर तो चल ही गया है, अब कितना 20 किलोमीटर दूरी पर सचिन से मिलता है, 50 किलोमीटर यहाँ से चल गया और वहां से तुरंत आपका वापस हो रहा है कौन, अनिल, ठीक है। तो 50 और 20 कितना हो गया आपका 70 किलोमीटर। अगर यहाँ से सचिन अभी तक पहुंचा नहीं है कालका, तो वहां कितना हो जाएगा, 50 में आपका 20 किलोमीटर अगर कम कर दोगे, पहुंचा नहीं है, तो कितना आ जाएगा 30, तो सचिन के कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो चलिए निकाल लेते हैं सचिन और ये आपका अनिल, तो सचिन का ये कितना आ जाएगा 30 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 70, तो 1-0 1-0 कट गया, यहाँ पर 3:7, यानी कि इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, 4 किलोमीटर का डिफरेंट है। पूछा क्या गया है कि 6 किलोमीटर कम है, कितने किलोमीटर कम है, 6 किलोमीटर कम है, तो एक की चाल क्या होगी, तो एक की चाल निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक की चाल आपका 6/4, यानी कि इसको काट देंगे 3/2। किसका मान पूछा गया है, सचिन का, तो क्या पूछा गया, सचिन की चाल ज्ञात कीजिए, तो सचिन की चाल कितनी है 3, तो 3 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सचिन का कितना आ जाएगा 3 × 3/2, तो 3 से कितना हो जाएगा आपका 9/2, तो 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर। अब इसको मैं ट्रिक समझाऊंगा, एक ही ट्रिक से आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको मैं बताया हूँ, ठीक है। तो कितने किलोमीटर चल रहा है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चलेगा, तो सचिन की चाल क्या होगी 4.5 किलोमीटर, ठीक है। अब ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखिएगा किस प्रकार बनता है। देखिए सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालके अगर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, तो मान लीजिएगा आपका सचिन हो गया या आपका अनिल हो गया, तो कितने किलोमीटर, जबकि उसका कितना किलोमीटर, यहाँ से इसकी दूरी कितना है आपका 50 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंच ही गया, जस्ट वापस हो रहा है, तो सचिन कितना आ जाएगा 50 में अगर 20 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 और उसका जोड़ देंगे 50 और 20 आपको हो जाएगा यहाँ पर 70, तो इसको यहाँ से पूरा इस प्रकार लिख सकते हैं 70 किलोमीटर और इसका 30 किलोमीटर, तो यहाँ से 1-0-0 कैंसिल हो गया, तो सचिन का आ जाएगा 3 और अनिल का आ जाएगा आपका 4, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है आपका, एक मिनट ना, ये 7 है, तो दोनों में कितने डिफरेंस है 4, और 6 किलोमीटर कम बताया गया, तो एक का मान कितना हो जाएगा 6/4, यहाँ से कर देंगे 3/2, तो सचिन का पूछा गया यहाँ से 3 × 9, तो कितना हो जाएगा सचिन का आपका 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका आंसर बनेगा शॉर्ट ट्रिक में। सेकंड सवाल देखते हैं, मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लंबा लंबा सवाल पूछता है और ये ऐसी शॉर्ट में बनेगा। किलोमीटर है, मान लीजिएगा एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर है, कितना है 60 किलोमीटर, ठीक है। अब ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर कम है, कितने किलोमीटर कम है 4 किलोमीटर कम है, बस ये दो बस याद रखना बातें, 60 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, है ना। तो ए का मान कितना है और बी का मान कितना है देखते हैं। चलिए अब यहाँ से पूछा गया है कि कितने 60 किलोमीटर है, अब बी वहां से वापस लौटता है 12 किलोमीटर, 12 अगर देखिए, अगर यहाँ से चल चुका है 60 किलोमीटर और वापस हो रहा है कितना 12 किलोमीटर, तो क्या करेंगे 60 और 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 72, तो बी का मान कितना है 72, ये अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, एक से अभी तक पहुंचा नहीं है, तो किसकी चाल पूछ रहा है, ए की चाल, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 में 12 घटा दो कितना जाएगा 48, तो यहीं से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका 2:3, ठीक है, कैसे जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 × 48 और 24 × 72, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है एक का है, कितना पूछा गया है 4 किलोमीटर कम पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से क्या करेंगे, किसका मान पूछा गया है एक ही चाल पूछा गया है, तो एक ही चाल कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 4 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 8 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी 8 किलोमीटर। अगर पूछता यहाँ पर कि बी की चाल, अगर बी की चाल पूछता तो क्या करते 4 से 3 का गुणा करते कितना आ जाता 12 किलोमीटर,
देखिए कैसे सवाल बन रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन को वैसे कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं ना तो एक ही ट्रिक में आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। 95 किलोमीटर याद रखना तीसरा सवाल, ठीक है। 95 किलोमीटर की यात्रा करता एक ही समय में आरंभ करता है और यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर कम है। कितने किलोमीटर कम है? 5 किलोमीटर कम है। बस दो ही याद रखना, 95 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब क्या पूछा गया है कि कानपुर पहुंचता है तुरंत वापस होता है और वामसी की यात्रा के दौरान कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी ऋषि से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर यह आपका हो गया ऋषि और यह हो गया आपका वामसी। कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। अगर यहाँ से करते हैं तो वामसी कितना आ जाएगा? 95 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 125, ठीक है। उसी प्रकार अगर 95 में 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 70। तो यहाँ पर 70 आ जाएगा और यहाँ पर इसका हो जाएगा 95 किलोमीटर और यह हो जाएगा 125 किलोमीटर। अगर दोनों को हम डिफरेंस करते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? सॉरी 120 किलोमीटर ना, तो 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। तो ऋषि का आपका आ जाएगा 7 किलोमीटर, उसी प्रकार वामसी का जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या गया, कितने किलोमीटर कम पूछा गया? 5 किलोमीटर कम पूछा गया है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। तो 5 किलोमीटर बराबर इधर आ जाएगा 5 किलोमीटर, तो दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि ऋषि की चाल कितनी होगी? तो ऋषि की चाल कितनी होगी? 7 है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7, तो 7 किलोमीटर। अगर वामसी की चाल पूछता तो क्या करते हैं? 12 × 1 यानी कि 12 किलोमीटर। लेकिन पूछा क्या गया है? ऋषि की चाल पूछा गया है, तो ऋषि का कितना आएगा? 7 किलोमीटर। ऑप्शन ऐसे ही बन गया। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक निश्चित स्थान पर 30 किलोमीटर या 30 घंटा है ना, तो 30 घंटों में पहुंच सकता है। कितने घंटा पहुंच सकता है? 30 घंटा में पहुंच सकता है, याद रखना ये टॉपिक। अब पूछा गया है कि यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15 हिस्से की कमी करता है, 1/15 हिस्से की कमी करता है तो कितना आ जाएगा? 1/15 हिस्से की कमी करेगा तो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 14/15। तो कैसा हो जाएगा? 14/15, तो समान समय में पूछा गया है, ठीक है। अब 14/15 आ चुका है, अब बोला गया उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उतने ही समय में मान लीजिएगा, उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब उसकी चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10 किलोमीटर। अब पूछा क्या गया है कि पहला इसका पूछा गया है कितना है? 30 घंटा, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? 140 किलोमीटर बटा यहाँ पर आ जाएगा 150 किलोमीटर। इनका मान हो चुका, किनका? 14/15 वाले का, ठीक है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिएगा, तो किसकी चाल पूछा गया है? 30 घंटे वाले का। तो क्या आ जाएगा आपका? 150/30 करेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, 3 × 5 = 15 यानी कि 5 किलोमीटर। आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऐसे ही चुटकियों में सवाल बनेगा, लेंदी क्वेश्चन आता है आपके व्यापम PSC SSC रेलवे में। तो आप लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। आप ऐसी चुटकियों में सवाल हल कर देंगे, लंबा क्वेश्चन, ठीक है।